हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स टेनिक्स एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट डुअल नेचर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर ओके तो सबसे पहले हम लोग डुअल नेचर की बात करते हैं लाइट के. तो लाइट हैज स्टूडेंट्स लाइट हैज डुअल नेचर लाइट के पास दो नेचर हैं वन इट इज अ इट हैज अ वेव नेचर राइट इस वेव नेचर को हम लोग किस किस से जज कर सकते हैं क्योंकि लाइट के अंदर क्या क्या फिनोमिनल है इंटरफेरेंस ठीक है डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन तो यहां से हम लोगों को पता चलता है लाइट का वेव नेचर यूजिंग दीज फिनोमिन हम लोगों को पता चलता है येस लाइट हैज वेव नेचर ठीक है सेकेंडली लाइट के पास हैज इट ऑल्सो हैज अ पार्टिकल नेचर पार्टिकल नेचर हम लोगों को कहा से पता चलता है स्टूडेंट्स पार्टिकल पता पार्टिकल नेचर हम लोगों को पता चलता है ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कंप्टन इफेक्ट कंप्टन इफेक्ट आप लोग हायर स्टडीज में पढ़ोगे फिलहाल आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास एक मेटल uh, का सरफेस मेटल है और मेटल के सरफेस पे अगर हम लोगों ने क्या करा लाइट को कॉल कराया तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाता है यानी कि कोई एक पार्टिकल आया होगा जिसने इलेक्ट्रॉन को हिट किया होगा तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ तो वो पार्टिकल है क्या वो पार्टिकल है क्या वो पार्टिकल है लाइट का पार्टिकल कॉल्ड फोटोन तो एक्चुअल में लाइट कैसा बिहेव करती है लाइट दो तरीके से बिहेव करती है वन इज वेव नेचर और सेकेंड इज पार्टिकल नेचर पार्टिकल नेचर हम लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता चलता है और हमें वेव नेचर इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन से पता चलता है राइट right? अब हम लोग स्टूडेंट्स बात करते हैं मैटर की राइट right? तो मैटर में मैटर का हमें एक एक नेचर तो पता ही है पार्टिकल नेचर तो होता ही है बट वन ऑफ द साइंटिस्ट पार्टिकल नेचर हम लोगों को कैसे पता है बिकॉज ऑफ एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन राइट और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक मास वेलोसिटी एसलरेशन ये सब क्या है पार्टिकल का ही होता है ठीक है पार्टिकल के लिए है ठीक है सिमिलरली हम लोग क्या बात कर रहे हैं अगर हम लोग मैटर uh, का भी दूसरा नेचर है यानी कि वेव नेचर भी है मैटर का जो वेव नेचर है इसके रिगार्डिंग हाइपोथेसिस एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस दी थी डी ब्रॉगली ऑफ फिजिस ऑफ फ्रेंच ये फ्रेंच के फिजिसिस्ट ने इन्होंने क्या बताया था कि नेचर हैज सिमेट्री राइट नेचर में क्या है सिमेट्री है अगर लाइट के पास ड्यूअल नेचर हो सकता है ड्यूअल नेचर है मतलब लाइट वेव तो है ही है साथ में वो पार्टिकल भी है तो सिमिलरली मैटर के पास भी होगा अगर मैटर जो है लाइट का क्या है सबसे ज्यादा वो जो शो करती है नाइन्टी परसेंट अगर वो वेव नेचर शो कर रही है तो पार्टिकल नेचर भी टेन परसेंट शो करती है राइट right? सिमिलरली अगर मैटर हमारा नाइन्टी परसेंट पार्टिकल नेचर शो कर रहा है तो कुछ ना कुछ टेन परसेंट वेव नेचर भी होगा ये किसने कहा था हमें डी ब्रॉगली ने ठीक है इसके लिए डी ब्रॉगली ने क्या किया था एक रिलेशन दिया था दिस रिलेशन इज कॉल्ड डी ब्रॉगली रिलेशन और वो रिलेशन किस किस के बीच में था और वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में राइटेंट right? राइट right? तो एच क्या था यहाँ पे प्लैंक्स कॉन्स्टेंट डी ब्रॉगली ने कहा था कि जो आप लोगों की वेवलेंथ होती है किसी भी पार्टिकल की वो क्या होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके मोमेंटम के और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज एच इक्वल्स टू अलमडा इक्वल्स टू एच बाय एम वी राइट ये जो रिलेशन है इस रिलेशन में ये जो वेव का एक्सप्रेशन है इसको हम लोग डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोगों को कैसे पार्टिकल का जो नेचर है वो वेवी नेचर दिख रहा है कैसे बिकॉज ये जो आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड में जो वेवलेंथ का एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट्स वेवलेंथ का एक्सप्रेशन एक एट्रीब्यूट होता है इट्स अ साइन ऑफ ए वेव ये एट्रीब्यूट है वेव का और जो आप लोगों का मोमेंटम है मोमेंटम और मास और वेलोसिटी ये क्या है ये जो राइट हैंड साइड है दिस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पार्टिकल किसी एक पार्टिकल का ही हमें क्या पता होता है मोमेंटम या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स राइट उन्हीं का क्या होगा मोमेंटम अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि हम लोगों को जो पार्टिकल नेचर है जो पार्टिकल्स हैं, उनका डुअल नेचर यानी कि उनका वेवी नेचर क्यों नजर नहीं आता क्यों क्योंकि जो वेवलेंथ है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास और जो हमारे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक लाइक हम लोग बात करें कार हाँ बॉल बस ट्रक्स तो इन सब का जो मास होगा वो बहुत ज्यादा है मास बहुत ज्यादा है तो मास ज्यादा है तो हमारी जो वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी मतलब जो हमारी वेवलेंथ है वो इतना लेस होगी कि उसमें हम लोगों को दिखेगा ही नहीं कि हाँ ये मोशन में है ये वेवी नेचर है शो कर रहा है एक वेवलेंथ हुई स्टूडेंट्स ये।, ये एक ये वेव है एक ये वेव है ये मान लीजिए ये किसी सब एटॉमिक लेवल के आ, पार्टिकल की है ठीक है और एक ये वेव है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की तो कौन सा हम लोगों को इजीली सीन है दिस वन ठीक है इनमें क्या है इनमें जो मास का फैक्टर है वो बहुत कम है मास का फैक्टर कम है तो आप लोगों को वेवलेंथ नजर आ रही है राइट यहाँ मास का फैक्टर बहुत ज्यादा है तो वेवलेंथ होगी तो सही बट इतनी कम होगी कि आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि उस वो उसके अंदर वेव नेचर है ये आप लोगों को स्ट्रेट लाइन मोशन नजर आएगा इस तरह से मोशन करता हुआ नजर आएगा राइट तो यहाँ से हम लोगों को पता चला कि मैटर के मैटर हैज़ ड्यूअल नेचर राइट यहाँ पर हम लोग वेवलेंथ को वोल्टेज के टर्म्स में और काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी निकालते हैं ओके सो so, उसके लिए हम लोग कंसिडर करते हैं कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन नो मास एम इलेक्ट्रॉन मतलब तो क्या होगा एसिलेरेट होगा राइट right? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो क्वाइटिक एनर्जी आएगी स्टूडेंट वो कितनी आ जाएगी ई इंटू अप्लाइड पोटेंशियल ठीक है और जो काइनेटिक एनर्जी होती है हम लोग उसे कैसे डिफाइन करते हैं हाफ एम वी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय टू एम तो आप लोगों की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है स्टूडेंट्स एच बाय पी तो अगर हम लोगों को वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लाना है तो हम लोग पी को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा रूट टू एम के राइट तो हाँ यहाँ पे हम लोग वेवलेंथ को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू एम के डॉट ई के डॉट ई एनर्जी और अगर हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी लिखनी है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल तो वो क्या होगी टू एम ई का अंडर रूट तो यहाँ से आप लोगों को वेवलेंथ मिल गई है अगर एच हाँ, हाँ की वैल्यू हम लोगों को पता है एच हाँ की वैल्यू क्या होती है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू माइनस थर्टी फोर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू दिपा माइनस थर्टी वन एंड इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू माइनस नाइन्टी ये सारी वैल्यूज अगर स्टूडेंट्स हम लोग इस फॉर्मूला में रख दें तो हम लोगों को वेवलेंथ का फॉर्मूला मिल जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू वन पॉइंट टू टू सेवन नैनोमीटर डिवाइडेड बाय अंडरूड का वी यानी कि जो हमारा पोटेंशियल है वो वेरी करता है एज अ स्क्वायर रूट सॉरी जो हमारा वेव लेंथ है वो वेरी करता है एज अ स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल तो अगर आप लोगों को पोटेंशियल पता होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कितनी वेव लेंथ होगी और कितना वेवी नेचर होगा ओके स्टूडेंट्स इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू सो मच